आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question is, if x-axis is the molecular axis, then pi molecular orbital are formed by the overlap of these given set of orbitals. तो हमें कुछ particular set of orbitals दिए गए हैं और हमसे कहा है कि pi molecular orbitals किससे बनेंगे. Okay, so first let's build a background. क्या होता है कि हमें बनानी है molecular orbitals. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो बनते हैं हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से, राइट? एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं और हमें फाइनली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देते हैं, और ये जो है वो हमें पता चलता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। अब हम बात कर रहे हैं पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो सिर्फ तब बनते हैं जब ऑर्बिटल्स जो हैं वो हमारे साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं, राइट? सो साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं, और इसमें खास बात ये होती है कि अगर हम पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें हमेशा दो ऑर्बिटल्स एक साथ ओवरलैप करते हैं, टू ऑर्बिटल्स ओवरलैप साइमल्टेनियसली। ओके, सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट? अब हमसे कहा गया, वैसे तो हम कन्वेंशनली मान लेते हैं कि हमारी जेड एक्सिस जो होती है वो हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को मैं आई एन ए से रिप्रेजेंट करती हूँ, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि हमें जेड एक्सिस की जगह हमें एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानना है, राइट? तो क्या होगा कि लेट इस फर्स्ट ड्रॉ अ एक्सिस। सो लेट से दिस इज द एक्स एक्सिस, राइट? This is the x-axis, this is the z one, and perpendicular to these two, this is the y-axis, right? अब हमसे कहा गया कि हमें s और pz orbital का overlap कराना है। तो overlap कराने से पहले हमें पता है कि अगर दो orbital same phase में overlap करते हैं तो वो जो होता है वो constructive overlap होता है, और अगर वो different phase में overlap करते हैं तो वो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता तो वो हमारा डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता है, राइट? तो क्या होगा कि अगर हम एस और पी जेड की बात करें, हमने ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनाई, उसके बाद अगर हम एक एस ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करें और एक पी जेड ऑर्बिटल, तो पी जेड ऑर्बिटल क्या होगी? दिस इज अलोंग द जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस हमारी कुछ इस तरीके से थी, राइट? और हमने ये माना कि ये जो एस ऑर्बिटल है वो प्लस फेज में है, और इस ऑर्बिटल का ये लोब प्लस फेज में है और ये वाला लोब नेगेटिव फेज में है, और ये जो थी वो हमारी एक्स एक्सिस थी, राइट? और ये हमारी जेड एक्सिस थी। तो क्या होगा कि अब आई एक्स एक्सिस हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो हमारी जो ऑर्बिटल्स मूव करेंगी वो इसी एक्सिस के अलोंग मूव करेंगी। तो एस ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से मूव करेगी और पी ऑर्बिटल इसकी तरफ मूव करेगी, और ये दोनों जब एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो फाइनली क्या होगा कि इनका ओवरलैप होगा। लेट्स से इनका ओवरलैप हुआ कुछ इस तरीके से, राइट? ये हमारी प्लस थी, ये हमारी प्लस थी, और ये हमारी नेगेटिव थी। अब क्या हुआ कि हमने देखा कि हमारा प्लस और प्लस, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे प्लस और नेगेटिव जो है वो चार्ज नहीं बल्कि फेज ऑफ ऑर्बिटल्स बता रहे हैं, एंड दिस इज़ अ की पॉइंट टू रिमेम्बर। तो क्या है कि यहाँ पे हमारा प्लस और प्लस है, तो अगर हम इस पार्ट की बात करें, लेट जस्ट से अबव द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो हम इस पार्ट की बात करें तो यहाँ पे प्लस और प्लस इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब हमारी सेम फेज के ऑर्बिटल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो होगा वो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा, राइट? अगर हम नीचे की बात करें तो यहाँ पे ये प्लस ऑर्बिटल कंबाइन कर रही है और ये नेगेटिव ऑर्बिटल कंबाइन कर रही है, तो ये जो होगा वो हमारा डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा। इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ। अब देखिए, इस ओवरलैप में ओवरऑल हमारा क्या हुआ है कि ये हमारा कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हुआ, उतने ही एक्सटेंट का हमारा डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप हुआ। तो ओवरऑल
हमारा ओवरलैप एक्सटेंट जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारा जितना ही कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा उतना ही डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, राइट। अब अगर हम बात करें सेकेंड केस की विच सेज पी एक्स प्लस पी वाई ऑर्बिटल, तो हमने बनाई पी एक्स ऑर्बिटल विच विल बी अलॉन्ग द जेड एक्सिस, इसकी ये ऑर्बिटल प्लस फेज में है, ये ऑर्बिटल नेगेटिव फेज में है, और हमने बनाई वाई ऑर्बिटल विच विल बी लाइक दिस अलॉन्ग द जेड एक्सिस, दिस ऑर्बिटल इज अबव द प्लेन एंड दिस ऑर्बिटल इज बिलो द प्लेन, राइट। सो इट्स जस्ट अ 2D रिप्रेजेंटेशन। सो लेट्स से दिस ऑर्बिटल इज इन प्लस फेज एंड दिस ऑर्बिटल इज इन नेगेटिव फेज, तो क्या हुआ कि अलॉन्ग द एक्स एक्सिस इनको मूव करना है, क्योंकि एक्स एक्सिस हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, और फाइनली जब इनका ओवरलैप होगा तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी। तो जैसे कि हमने ऊपर एस और पी जेड के केस में देखा था, यहाँ पे प्लस और नेगेटिव की वजह से ये जो होगा वो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो जाएगा, और प्लस और प्लस की वजह से ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो जाएगा, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और ओवरऑल हमारा जो ओवरलैप एक्सटेंट है वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा, राइट। अब आता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कहता है कि हमें पी जेड प्लस पी जेड, तो हम दोनों पी जेड ऑर्बिटल्स बना के देखते हैं, ये हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये हमारी पी जेड ऑर्बिटल है, ये भी हमारी पी जेड ऑर्बिटल है, राइट। तो ये हमारे न्यूक्लियाई हो गए, और हम मान लेते हैं ये हमारा पॉजिटिव फेज है, ये भी पॉजिटिव फेज है, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, ये दोनों इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, तो जब ये ओवरलैप करेंगी तो क्या होगा कि कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी, राइट। तो क्या हुआ कि ये ऑर्बिटल इस फेज में थी और ये इस फेज में थी। अब हमने देखा कि इसमें दोनों सेम फेज की ऑर्बिटल कंबाइन कर रही हैं, तो ये जो होगा वो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा। सिमिलरली हमारा इन दोनों ऑर्बिटल्स के लिए भी, ये दोनों सेम फेज में कंबाइन कर रही हैं, तो ये भी हमारा जो होगा वो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा, राइट। तो ये अब देखिए, हमने क्या कहा था कि पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने के लिए हमारी दो ऑर्बिटल्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली ओवरलैप करनी चाहिए, और इसमें दोनों ही ऑर्बिटल, ये वाली भी और ये वाली भी, साइमल्टेनियसली कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप दे रही हैं, तो ये जो है, और इसमें साइडवेज ओवरलैप भी हो रहा है, ये ऑर्बिटल इसके साथ और ये ऑर्बिटल इसके साथ कंबाइन कर रही है, तो ये जो हमारा फाइनल सिचुएशन बनती है वो हमारी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ही बनती है। तो अगर हम एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माने, तो हमारा पी जेड प्लस पी जेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, पी जेड प्लस पी जेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होंगी वो हमें पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देंगी, राइट। और एक बार हम लास्ट ऑप्शन को भी क्लियर कर देते हैं कि हमारा लास्ट ऑप्शन पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में काउंट क्यों नहीं होता, तो हमने कहा कि पी एक्स which will be this kind of orbital along the x-axis, and now px which will be this orbital along the x-axis, this is the nuclei, let's say this is positive, this is negative, these are the phases of orbital and not the charges on the orbitals. तो क्या है कि ये x-axis के along एक दूसरे की तरफ move कर रही हैं, और ये orbitals जो हैं वो आपस में combine करेंगी, तो जिससे कि क्या होगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों सेम फेज में कंबाइन करेंगी, और इनका जो होगा वो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होने की वजह से ये जो है कुछ इस तरीके की शेप देंगी, राइट। जिससे कि हमारा क्या होगा कि न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और न्यूक्लियाई के बाहर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अब क्या हुआ कि हमने कहा था कि पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए कंडीशन होती है कि हमारी दोनों ऑर्बिटल्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली ओवरलैप करनी चाहिए, और यहाँ पे हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल की सिर्फ एक ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप कर रही है, प्लस ये जो ओवरलैप होता है, दिस इज़ नॉट अ साइडवेज ओवरलैप, दिस इज़ कॉल्ड अ हेड ऑन ओवरलैप,
एंड हैड ऑन ओवरलैप से जो बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती हैं वो हमारी सिग्मा टाइप की होती हैं. तो ये जो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी है दिस इज़ ऑफ सिग्मा टाइप एंड नॉट ऑफ पाई टाइप. ओके, सो हम जस्टिफाई कर चुके हैं कि हमारे चारों ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, विच सेज पीजेड प्लस पीजेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन करेंगी अलोंग द एक्स एक्सिस एज एंटी न्यूक्लियर एक्सिस तो हमारा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर.